नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। मेरा यह पहला ब्लॉग होगा और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के बारे में स्टेज बाय स्टेज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो है फोटोशॉप होता क्या है। फोटोशॉप के बारे में जानकारी लेना होगा हम लोग को। फोटोशॉप टूल्स की पूरी जानकारी मैं दूंगा आप लोग को। फोटोशॉप का जो हिस्ट्री रहा है अभी तक का उसे मैं बताऊंगा। इसके फायदे क्या-क्या होते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे और हम लोग इससे कैसे अर्न टू मनी कर सकते हैं उसे भी हम बात करेंगे और इसे कैसे लर्न करें और इसे हम कैसे यूज करें, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके इंटरफेस के बारे में बात करें। इससे में जो टूल्स होते हैं, टूल्स आपका जो टूल्स बना हुआ है, फाइल्स है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, स्टाइल है, फिल्टर्स है, एनालिसिस है, 3D एंड व्यू एंड विंडोज एंड हेल्प, सारी चीजें यहाँ पर मेनू बार्स दिए हुए हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में आपका ये जो आपका दिया हुआ है, फाइल्स है, एडिट्स हैं, इमेजेस हैं, लेयर्स हैं, सेलेक्ट हैं, फिल्टर्स हैं, एनालिसिस हैं, 3D हैं, व्यू हैं, विंडोज हैं, हेल्प। फाइल्स के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो फाइल्स के अंदर सारे मेन्यूज आती हैं, न्यूज विंडोज आती हैं, ओपन आती है, ब्राउज आती है, उसके बाद ओपन एक्सेस आता है, ओपन रिसेंटली आता है, क्लोज आता है, क्लोज ऑल आता है, क्लोज एंड गो, ब्रिज आता है, सेव आता है, सेवेज आता है, सारे ये फाइलों ने एडिट के भी ऑप्शन दिए होते हैं। उसी प्रकार से एडिट की बात करें हम लोग, एडिट में भी अंडू के ऑप्शन आते हैं, पेस्ट वगैरह के रहते हैं, स्पेलिंग चेक के रहते हैं, एंड जो है फाइंड एंड रिप्लेसमेंट टेक्स्ट के रहते हैं, सारे ये आपके एडिट्स के ऑप्शन आते हैं। जैसे जैसे हम लोग किसी चीज पे यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद जो है हम लोग ये जब से जैसे किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करने के बाद जो है एडिट के ऑप्शन सारे ऑप्शन ऑप्शन जो है दिखना शुरू हो जाएंगे, जो जो ऑप्शन यहाँ पर काम करेंगे एडिट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग इमेजेस की बात करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी फोटो जैसे किसी भी इमेजेस को लेकर के कोई जैसे कि इमेजेस हम लोग एक इंपोर्ट करेंगे और इमेजेस को इंपोर्ट करने के बाद उस इमेजेस में जो भी इफेक्टेड होंगे सारे इफेक्टेड यहाँ से होंगे, जैसे एडजस्टमेंट होगा, ऑटो टोन्स होंगे, ऑटो कंस्ट्रक्ट होंगे, ऑटो कलर्स होंगे, इमेजेस साइजेस कर सकते हैं, कैनवास से बढ़ा सकते हैं उसके, एंड जो है क्रॉप, ट्रिम, रिप्लेस, रिप्लीकेट एंड अप्लाई इमेजेस एंड कैलकुलेशन एंड वेरिएशन एंड अप्लाई डेटा सेट, ये सारा चीज हम इमेजेस में करते हैं। फिर आता है लेयर्स। लेयर्स हमारा जब भी इस पे हम काम करते हैं तो हर लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर लेयर पे वाइज काम होते हैं। जैसे किसी भी इमेज पे हम इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालने के बाद जो है हमें लगता है कि यार ये इफेक्ट के बाद हम कोई दूसरा इफेक्ट और डाल दें, तो उसके लिए जो होता है लेयर काम करता है। जो लेयर इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस सॉफ्टवेयर। ओके, इसमें लेयर जो होता है, लेयर स्टाइल जो होता है, वो लेयर स्टाइल जो है हम लोग लेयर स्टाइल को दूसरे लेयर पे हम लोग कॉपीज कर सकते हैं उसको, जिस जैसे कि इस लेयर पे हमने जो भी हमने रखा हुआ है, इस लेयर पे जो प्रॉपर्टी है हमारी, इस प्रॉपर्टी को चाहते हैं हम कि सेकंड लेयर पे या थर्ड लेयर पे या फोर्थ लेयर पे या सारे लेयर पे हमें जो है अप्लाई करनी है, तो हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं उसको। मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने का आसान तरीका होता है, लेकिन इफेक्टेड हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा इफेक्ट का कहाँ पर यूज कर रहे हैं और कौन सा इफेक्ट हमें हमारे लिए वो अवेलेबल है या अच्छा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लेयर्स में। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने बताया आपको कि ल्यून है, डुप्लीकेट है, डिलीट है, लेयर प्रॉपर्टीज है, लेयर स्टाइल है, एंड स्मार्ट फिल्टर्स है, एनवी फिल्टर्स है, एनवी एडजस्टमेंट है, लेयर कंस्टेंटमेंट है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वीडियो लेयर्स है, टैप्स है, स्ट्राइज है, न्यू लेयर बेस स्लाइस है, ग्रुप लेयर्स है, अंडर ग्रुप लेयर्स कर सकते हैं हम लोग, ग्रुप लेयर कर सकते हैं, हाइड लेयर्स कर सकते हैं, अरेंज लेयर कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं, लॉक ऑल द लेयर्स ऑफ इन ग्रुप कर सकते हैं, लिंक लेयर्स कर सकते हैं,
एंड मर्ज कर सकते हैं लेयर को, एंड मर्ज को विजुअल भी कर सकते हैं, फिटेड इमेजेस भी कर सकते हैं, नेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑप्शन, आता है सिलेक्ट में भी है हमारे मेन्यूज दिए हुए हैं, इसमें कलर रेंज कर सकते हैं, रिफाइन मास्क एंड मॉडिफाई ग्रो एंड द इसमें ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्ट थ्री डी क्विक मास्क इन क्लाउड डिफ्यूजन एंड सेव कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं, यदि आप यहाँ पर जब सॉफ्टवेयर अपन ओपन करेंगे तो सारे चीज यहाँ पर हमें शो होंगे। टॉप में जो है मेन्यू बार दिए हुए हैं, टूल्स दिया हुआ है। टूल्स में देखिए, टूल्स के अंदर जो है हमारा सेलेक्ट का टूल होता है, ये जो होता है इंडिकेटर का टूल होता है, ये इसमें जो होता है हमारा ये रिजल्ट टूल होता है, जिसमें कि अपने किसी शेप को बनाने के लिए इससे सारे टूल्स का यूज होता है। उसके बाद होता है क्रॉप का यूज होता है, क्रॉप का हम एक एक टूल्स के यूजेस को पढ़ते चलेंगे तो हमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी, और फिर हम जो है इससे टूल्स के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे कि ये टूल्स है क्या। ये जितने सारे टूल्स हैं हमारे, ये टूल्स के बारे में हम लोग जब बताएंगे कि ये टूल्स जो है क्या क्या काम करता है, हर चीज पे इस टूल्स को अप्लाई करके देखेंगे पहले हम लोग कि ये कैसे वर्क करता है, तब हम लोग को ज्यादा क्लियरिटी आएगी। उसके बाद जैसे कि हम लोग बात करते हैं टूल्स के बारे में, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि टूल्स हमारा कैसे काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टूल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने किसी एरिया को सिलेक्ट करना हो, जैसे हमने एक लेयर बनाया, इस लेयर पे जो है हम एक एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एरिया है, और इस एरिया को इससे क्या होता है, फर्स्ट हम टूल की बात कर रहे हैं कि ये एरिया होता है, ये एरिया में बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, जैसे कि रेक्टेंगल मार्कर टूल्स होता है, उसके बाद है लिपिटिकल मार्कर टूल्स होता है, एंड सिंगल रो एंड मार्कर टूल्स होता है, एंड सिंगल कॉलम मार्कर टूल्स होता है। सारे इस टूल्स का यूज अलग अलग शेप बनाने में कर सकते हैं हम लोग। जैसे रेक्टेंगल मार्कर टूल का यूज होता है, हमने रेक्टेंगल बनाया और हम चाहते हैं कि इसमें कोई कलर जो है हम फिल करना चाहते हैं, हम सही कलर यहाँ पर क्या करते हैं, या हमारे जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी होगा, हम वहाँ पर रेड कलर हो गया, उसके बाद सारे सारे कलर के कोड्स दिए हुए रहते हैं आपके यहाँ पर। इसे देखिएगा, जब आप कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे कलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको HSN BRGB सारे की वैल्यू यहाँ पर दिखेगा। जैसे आप देखिए वैल्यू, हर चीज की वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे हम कर्सर जहाँ भी ले जाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू का जो है वैल्यू आप जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है यहाँ पर कलर के हिसाब से। जो जैसे जैसे कलर हम दूसरा कलर चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा यहाँ पर जो कलर कोड होते हैं ना, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने ये कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पर कर्सर रखा था, हमारा कोड जनरेट हुआ यहाँ पर, ये कोड जनरेट हुआ। हमेशा हम लोग टूल्स में जब भी यूज करते हैं तो ऐसा कोड कोड के साथ यदि हम कोड कलर को फिल करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है लेआउट का, वो जो डिजाइनिंग होती है वो काफी अच्छा होता है, इसलिए हम लोग जो है हमेशा कलर कोड का यूज करते हैं कि कलर कोड से क्या होगा हमारा जो अच्छा हो। जैसे हमने यहाँ चूज किया है, हमने जो भी कलर कोड चूज किया है और हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर में देना चाहते हैं, तो ऑल्ट एंड बैक इस पे ध्यान रहे कि शॉर्टकट बटन का यूज भी मैं बताऊंगा आपको, बट शॉर्टकट बटन का यूज करने से पहले हम थोड़ा सा इस टूल्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद मैं शॉर्टकट पे भी ले जाऊंगा आप लोग को कि शॉर्टकट कैसे यूज करना है अपने को, कैसे यूज करके शॉर्टकट के थ्रू जो है हम कलर को फील कर सकते हैं, या कैसे हम लोग इसको और बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें हम लोगों ने सेफ लिया था, अभी हम लोगों ने सेफ लिया था, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल्स का यूज किया था और हमने ऐसा सेफ बनाया, और उस सेफ में हमने कलर को चेंज करके हमने उसमें फिल कर दिया, ये हमारा जो है लेयर टू पे काम वर्क हुआ। लेयर टू पे जो वर्क हुआ, यदि हम चाहते हैं लेयर टू पे यहाँ देखिएगा कि हाइट एंड आई जैसा कुछ बना हुआ है, यदि हम चाहें तो इसको हम हाइड कर सकते हैं और इसे हम ओपन भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यार हमें ये जो है रेक्टेंगुलर जो मार्कर टूल से हमने बनाया हुआ है, ये शेप बनाया हुआ है, ये शेप हमें नहीं चाहिए, हमें जो है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये शेप गलत है, और हमें जो है एक लिपिटिकल मार्कर टूल्स यूज करके, लिपिटिकल टाइप से टूल्स का यूज करके हमें ऐसा सेफ लेना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे इस चीज को क्लाइंट को नहीं चाहिए तो हम इसे हाइड करेंगे और इसे हम जो है एक नया लेयर पे पुट करेंगे। सॉरी, जब भी हम कुछ नया चीज बनाएंगे तो हम एक नया लेयर पे ही पुट करेंगे, नया लेयर बनाया
और नया लेयर पे जो है हमने क्या किया, इसको इसको जो है हमने पुट किया, बनाया है, ठीक है। अब जो है इसपे हमने कलर, इस पे भी सेम कलर यूज कर लेंगे, कलर चाहे तो हम चेंज कर दें, जैसा रिक्वायरमेंट होगा सामने क्लाइंट का उस हिसाब से हम यहाँ कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के बाद हम जो है यहाँ पर कंट्रोल अल्ट एंड बैक स्पेस से हम जो है इसके बैकग्राउंड कलर को फिल कर सकते हैं, शॉर्टकट याद रखिएगा अल्ट बैक। तो ये हम हमारा जो हो गया, ये ऐसा डिजाइन हो गया। अब हमारा क्लाइंट कहता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कुछ तो ऐसा चाहिए कि जो दोनों हो। तो हम दोनों हो के लिए क्या करेंगे, इस ये वाली जो लेयर हमने पहले बनाया हुआ था, इस लेयर को हमने ओपन कर दिया और ऐसा लेयर कर दिया, तो दोनों ओपन हो गया। मतलब हमारा लेयर हाइड किया था मैंने, इसको लिप मैंने नहीं किया था, हाइड किया हुआ था, तो जिस कारण से जो है हमारा ये दोनों लेयर्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम जिससे बात करते हैं कि ये दो टूल्स हम हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल्स पढ़ा और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल्स पढ़ गया। अब ऐसा सिंगल रो मार्क्यू टूल, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कि मैं इस दोनों लेयर को हाइड करता हूँ और ये जो है एक सिंगल रो होता है, इसमें जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर, जैसे कभी कभी क्या होता है किसी चीज में लाइनिंग देना होता है, अच्छा लाइनिंग देना होता है, इसमें भी हम लेयर सेलेक्ट करेंगे, नया लेयर सेलेक्ट करने के बाद ही कुछ नया बनाएंगे। हम लोगों ने नया सेलेक्ट किया और ये हम सिंगल मार्क्यू टूल हमने किया और यहाँ से अल्ट बैक स्पेस हमने क्लियर कर दिया और ये कंट्रोल डी से हमने उसको हटा दिया। तो ये देखो कितना सुंदर, और ये जो है एक लाइनिंग टाइप से हो गई। इसका यूज जनरली हम लोग कैसे करते हैं, इसका यूज जो है हम लोग किसी चीज को लाइनिंग करने के लिए, किसी चीज को लाइन देने के लिए, वो शायद भी सारा यहाँ पर होगा लिखा हुआ, वो हम शायद हम आगे वाली क्लास में बताएंगे इसको, इस साइज को कैसे मैनेज करते हैं। बाकी जो है आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे जो है ये इसमें हम लोगों ने मार्क्यू पढ़ लिया, सिंगल मार्क्यू टूल के बारे में हमने पढ़ लिया, और जो है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। सिंगल कॉलम जैसे कि हमने ये रो की बेसिस पे था, और सिंगल कॉलम में तो एक नया लेयर बनाएंगे पहले फिर से, और यहाँ पर जो है एक ऐसा किया और इसमें जो है अल्ट बैक स्पेस कर दिया और ये जो कंट्रोल डी से हमने क्या किया, हटा दिया उस चीज को। तो कैसा हो गया, ऐसा मेरा हो गया, ये हो गया हमारा, इसको बोला जाता है, इसको जो है हम लोग बोलते हैं सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल से हमने एक हॉरिजेंटल वर्टिकल में हमने कुछ ऐसा शेप बना लिया हमने, ठीक है। अब इसका यूज बहुत सारे फिगर्स में या बहुत सारे डिजाइनिंग बनाने में होता है। अक्सर ज्यादातर हम लोगों जो है टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स वगैरह जो बनाते हैं, लेआउट जो डिजाइनिंग होती है, लेआउट डिजाइनिंग बीस पे होता है। लेआउट डिजाइनिंग करके मैं बताऊंगा आपको, लेआउट डिजाइनिंग करके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो पहला टूल्स के बारे में बताया कि रेक्टेंगल मार्क्यू टूल्स होता है, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल्स होता है, एंड सिंगल रो एंड मार्क्यू टूल्स होता है, एंड सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल्स होता है, क्या यूज जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं, कहाँ करते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज का यूज जो होता है वो लेयर वाइज होगा, इस कारण से हम उसको एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ला सकते हैं, वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले टूल की, अगले टूल में बता जाऊंगा सारा टूल्स में बताऊंगा, सारे टूल्स के बाद में बताऊंगा इस टूल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, और फिर एक लेआउट डिजाइन करेंगे अपन, लेआउट को हम जो है एचटीएमएल सीएसएस में एंड इसमें कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको कि फोटोशॉप में लेआउट डिजाइनिंग कैसी होती है, लेआउट में कलर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, एंड उसके बाद सारा फोटोशॉप में जो ये लेआउट डिजाइनिंग होती है वो कैसा किया जाता है, कितना विड्थ होता है, कितना है, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।